आपल्या सोबत आज बॉलिवूडच्या अभिनेत्री सुप्रसिद्ध रिमू सेन आहेत, ज्या चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या लोकप्रिय आमदार स्वेताताई महाले यांच्या जी दहीहंडी येथे होणार आहे चिखली शहरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये, आणि त्या दहीहंडीचं प्रमुख आकर्षण रिमू सेन राहणार आहे, आणि सर्वच या ठिकाणी जगामध्ये त्यांचं या ठिकाणी एक नाव लौकिक आहे। आप ये बुलढाणा जिले में आए, ये चीज चिखली शहर में आए हैं, इस जो दही हंडी के प्रोग्राम पे क्या बता सकते हैं आप, कैसा लगा है ये हमारा ये जिला? मैं चिखली पहली बार आई हूँ और औरंगाबाद पहले कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन चिखली पहली बार आई हूँ। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारे रिस्पेक्टेड बीजेपी की विधायक, महिला विधायक श्वेताताई जी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है यहाँ पे आने का और यहाँ के लोगों से मिलने का और यहाँ पे इतना अच्छा प्रोग्राम का पार्ट बनने का। आई वुड लाइक टू थैंक हर। और मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी हैं उनके बारे में, उन्होंने बहुत कुछ किया है और अभी भी करते हुए आ रहे हैं और आगे भी बहुत सारे प्लान्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। तो किसानों के लिए जो वो काम कर रहे हैं, जो कैंसर पेशेंट्स, जो प्रेग्नेंट वीमेन के हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए ये सब जो काम है जो वो कर रहे हैं, वो एक महिला होने के नाते बहुत गट्स और बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इतना कुछ करने के लिए, जो कि बहुत सारे लोग भी हमारे देश में कर नहीं पा रहे, वो उन्होंने करके दिखाया है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि यहाँ के लोग उनके साथ रहे और उनको और डेवलपमेंट करने का मौका दे, और ताकि वो अपने आप को और भी ज़्यादा लवेबल और लाइकेबल कर पाए लोगों के बीच में, एंड आप लोग ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए उनको। जो फिल्म सिटी में आप जो काम करते हैं उसके बारे में दो शब्द क्या है? मैं अभी फिल्मों में एक्टिंग नहीं करती हूँ, मैं अभी प्रोड्यूसर बन चुकी हूँ। तो हमने एक फिल्म बनाया था बुधिया सिंह बॉर्न टू रन, जिसको नेशनल अवार्ड मिली थी। अभी हम लोग सेकंड प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि स्क्रिप्ट लेवल पे काम चल रहा है। एज लॉन्ग एज वो बन जाता है, स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है, तो हम लोग चालू कर रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? क्या संदेश? जब भी कहीं पे जाते हैं, वहाँ के लोगों से जब मिलते हैं, हर चीज में एक अलग अलग ब्यूटी है हर सिटी में। औरंगाबाद का जो फूड है, जो लोग है, जो जगह है, जो डेवलपमेंट हुआ है औरंगाबाद में, मुझे सब दिखाई जा रहा है। तो 2 घंटा कैसे चला गया पता भी नहीं चला, इतना अच्छा रास्ता, इतना सब कुछ, ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह इतना अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड और उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को मिलने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जस्ट वेटिंग फॉर माई इवेंट टू बिगिन। आप